22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को न्योता नहीं मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं, राम मंदिर जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी राम का बुलावा होगा वह जाएंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अयोध्या का न्योता मिला है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को अयोध्या आने का न्योता मिला है, उन्हें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से न्योता मिला है। अयोध्या जाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की ऑफिशियल शुरुआत तो अभी होगी, लेकिन उससे पहले हमने जो लोग जाना चाहते हैं उनको अलॉ किया, और निश्चित तौर पर हर जो एक साल में हमारी सरकार ने कार्य किए हैं उसको जनता के गांव के द्वार तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, अयोध्या से न्योता है? नहीं, अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे हम हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है, तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे हम जाएंगे। धन्यवाद। अभी ये कोई राजनीतिक मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी माननीय जेपी नड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही हिमाचल से सांसद भी है। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम अपनी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो चुनावों की बात होगी। जब चुनावों की रण में उतरेंगे तो हर तरीके से अस्त्र शस्त्र निकाले जाएंगे और लड़ा जाएगा। अभी तो हमने तलवारें म्यान में रखी हुई है, मगर तलवारें पूरी तरीके से निकाली भी जाएगी और लहूलुहान भी किया जाएगा। तो ये है, बाकी हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ जिताने में हर संभव प्रयास करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 22 को शामिल होने जा रहे थे अयोध्या? देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है, और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।